गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएस निरंकारी पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर आपके सामने है क्लास 3 पोजी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 द कैनारी। बच्चों, ये कैनारी जो है एक गाने वाली चिड़िया है जिसके बारे में बताया गया है, इट इज़ नॉट ह्यूमन अलोन हु कैन स्प्रेड गुड मैसेज। यानी केवल मनुष्य ही अच्छी खबरें नहीं पहुंचाता है। रीड द पोएम टू नो हाउ ए कैनारी बर्ड स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ लव एंड कम्फर्ट थ्रू हर एक्शन एंड अर्जेज अदर टू डू द सेम। यानी एक गाने वाली चिड़िया किस तरह से खुशियों के संदेश पहुंचाती हैं उसको हम पढ़ते हैं। मैरी हैड ए लिटिल बर्ड। मैरी एक लड़की है जिसकी एक छोटी सी चिड़िया है और देखो पिंजरे में रखे हुए हैं, विथ फीदर्स ब्राइट एंड येलो, जिसके पंख चमकीले पीले हैं, सिलेंडर लेग्स पतले पतले पैर, अपॉन माई वर्ड, और जब मैं बोलती हूँ तो वो फुदकती भी है। ही वॉज अ प्रिटी फेलो, यानी कि वो जो चिड़िया था, चिड़िया कहा जाए, एक बहुत सुंदर और प्यारा सा दोस्त भी था उसका, मैरी का। यानी उसके साथ में उसके जब वो बोलती थी तो वो फुदकता था। स्वीटेस्ट नोट्स भी ऑलवेज संग, और बहुत अच्छा वो गीत वो गाता था, है ना, धुन निकालता था, विच मच डिलाइटेड मैरी, जिससे मैरी हमेशा ज़्यादा खुश होती थी। ऑफन वेयर हिज केज वाज हंग सी सेड टू हियर कैनरी, यानी जहाँ उस कैनरी का चिड़िया का पिंजरा टंगा रहता था जिसमें वो चिड़िया बैठता था, उसके पास में जाकर के मैरी बैठती थी। क्रम्स ऑफ ब्रेड एंड डेंटी सीड्स, यानी छोटे छोटे रोटी के टुकड़े जो है, सी कैरीड टू हिम डेली, वो रोजाना उनके पास लेके जाती थी। सीकिंग फॉर द अर्ली बिट्स सी डेक्ड हिज पैलेस गेली। यानी वो नन्हे नन्हे वो टुकड़ों से वो क्या होती थी रोजाना की वो जो तलाश थी उस पक्षी की उसको पूरा करती थी, उसको सजा करके वो लेके जाती थी। दिस माई लिटिल रीडर्स लर्न एंड एवर प्रैक्टिस ड्यूली, वो ये सोचती थी कि वो छोटे छोटे ये क्या बोलते हैं कि मेरे रीडर्स जो पढ़ेंगे तो उनको क्या होगा, वो उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। सॉन्ग्स एंड स्माइल्स ऑफ लव रिटर्न, और ये करते थे, ये सोचती था चिड़िया जो है कि जो छोटे छोटे बच्चे जो उसको पढ़ेंगे तो भी सोचेंगे कि काश कि हम लोग भी इस तरह से गीत गाएंगे, मुस्कुराएंगे और दूसरों को भी खुश करेंगे। टू फ्रेंड्स हु लव यू ट्रूली, ऐसे दोस्तों को जो आपसे ज़्यादा प्यार करता है, अगर वो आपको देख के खुश होता है तो आप ही उसको देख करके मुस्कुराइए। यानी देखिए, इसमें एक छोटी सी चिड़िया है जो मैरी ने उसको पाला हुआ है। आप देखेंगे कि मैरी उसके पास बैठती है, खुश होकर देखती है तो वो भी खुश हो जाती है, और जब वो चिड़िया गाता है तो वो भी कैनारी बर्ड को गाते देख करके वो भी खुश हो जाती है, और उसको समय समय से वो खाना भी खिलाती है। यानी देखिए किस तरह से वो उसका देखभाल करती है और बदले में उसको वो मीठा मीठा गीत गा करके सुनाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमें भी जीवन बिताना चाहिए कि हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। दैट्स ऑल, थैंक यू।